ग्रेले गूच को राजहंस भी कहते हैं। भारत में यह एक प्रवासी पक्षी है जो सर्दियों में प्रवास करके भारत के उत्तरी हिस्से में पहुंचते हैं। यूरोप व मध्य एशिया से यह पक्षी अपना प्रवास आरंभ करते हैं। रास्ते में यह अपने निश्चित पड़ावों पर रुकते हुए हर वर्ष की भांति निश्चित जगहों पर ही पहुँचते हैं। अवयस्क पक्षी अपने पहले प्रवास के दौरान अपने माता पिता से दिशा व रूट तथा रुकने वाले स्थानों की जानकारी लेते हैं। इसके बाद यह प्रवास प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाले पक्षियों में चलती रहती है। दुनिया के कई देशों में इसे पवित्र श्रेणी में रखा जाता है तथा इन्हें देवी देवताओं के प्रतीक के रूप में मानते हैं। यह एक बड़ी बतख होती है। इसका आकार 74 से 91 सेंटीमीटर तक होता है। इसमें नर व मादा एक जैसे दिखते हैं। नर पक्षियों का आकार मादा से बड़े होते हैं। इनके शरीर का रंग स्लेटी भूरा होता है। इन पक्षियों का मुख्य भोजन घास फसलें व अन्य वनस्पतियों की जड़ें हैं। यह मुख्यतः घास खाते हैं। यह एक बड़ा समूह बनाकर रहते हैं। जब यह एक बड़े समूह में भोजन खा रहे होते हैं तो समूह की एक बतख चारों ओर ध्यान रखती है। उसे जब कोई भी खतरा महसूस होता है या शिकारी दिखता है तो यह शोर मचाकर अपने समूह को अवगत कराती है। ये ज़्यादातर समय रात को भोजन करते हैं। सुबह व शाम के समय ये ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। इनके प्रजनन का समय अप्रैल से मई का होता है। इस दौरान वयस्क पक्षी एक जोड़ा बनाते हैं। एक बार जोड़ा बनाने के बाद यह हमेशा साथ रहते हैं। प्रजनन के समय ये पक्षी यूरोप व मध्य एशिया के अलग अलग हिस्सों में पहुंच जाते हैं। ये अपने घोंसले दलदली क्षेत्रों व झीलों के किनारे जहां बड़े आकार की वनस्पतियां होती है वहां छुप कर बनाते हैं। मादा 3 से 5 अंडे देती है जिनका रंग सफ़ेद रहता है जो जल्द ही दागदार हो जाता है। मादा इक्यूबेशन करती है जो कि 28 दिनों तक चलती है जबकि नर कहीं आसपास ही पहरा देता रहता है। माता पिता दोनों ही उनकी देखभाल में शामिल हैं। 8 से 9 सप्ताह में पूरी तरह यह विकसित हो जाते हैं।